बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का जो दैनिक राशिफल आज देख रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, यह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज जिन लोगों का जन्मदिन है, जिन लोगों के मैरिज एनिवर्सरी है या कोई इस विशेष आपके लिए दिन है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। आज आप हो सके तो जो भी गरीब मिले, सुबह से पहला जो जरूरतमंद व्यक्ति मिले, उसको किसी भी प्रकार के पीले फल और पुष्प देने चाहिए। और फिर कम से कम 21 लोगों के लिए खाने का पैकेट बनाकर गरीब लोगों को दान करना चाहिए। शाम के समय जाकर कंबल भेंट करने चाहिए। आज 22 नवंबर है, गुरुवार है। आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र के हैं और मेष राशि में शाम को 5:50 तक रहेंगे। उसके बाद रहेंगे तो मेष राशि में, लेकिन कृतिका नक्षत्र में रहेंगे रात को 11:35 तक। उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दोपहर को 12:53 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग, जैसे बुध आदित्य योग और कलानिधि योग का साथ मिल रहा है। वहीं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को मलब योग का लाभ मिल रहा है। परंतु आज भी केम द्रुम दोष चंद्रमा से बनने वाला रहेगा, मानसिक अशांति का दिन रह सकता है। अगर आप आज कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना चाहते हैं, कोई स्पेशल आपकी मीटिंग है, कोई फैसला लेना है, तो उसके लिए समय आपके पास दोपहर को 12:15 से 12:45, ये 30 मिनट का समय बहुत अच्छा है। लेकिन 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल रहेगा, नहीं लेना चाहिए। और दोपहर को 12:53 से पूरे दिन भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मैं कल 23 तारीख को मुंबई में हूं, 24 तारीख को अहमदाबाद हूं, उसके बाद मैं हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहूंगा, जिसमें मैं न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मैरीलैंड, एटलांटा जॉर्जिया और ह्यूस्टन टेक्सास रहूंगा। यहां पर उसके बाद 21 दिसंबर के बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रहेगा। अगर आप इन शहरों में, देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब मैं आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, हो सके तो इसे अपनाइएगा। दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान है, इसलिए स्वयं को जाने बेहतर रहेगा। अब मैं आज की ग्रहों की स्थिति आपको बता देता हूं। आज चंद्रमा रात को वृषभ राशि में जा रहे हैं, उच्च राशि की ओर है, बहुत सुंदर बनेंगे। कर्क राशि में राहु रहेंगे, तुला राशि में आज शुक्र हैं, बुध, सूर्य और गुरु ये तीनों साथ में वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि के, कर्क राशि माफ करेगा मकर राशि में केतु हैं, मंगल कुंभ राशि के रहेंगे। इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तैयार किया है और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको हर हाल में पूरा ध्यान अपने स्वभाव को और विनम्र और बेहतर कराएं, बेहतर बनाएं, अपने स्वभाव में थोड़ा सा फ्लॉरिशनेस लेकर आए, चाहे वो वोकैबुलरी हो, आपके बातों बात करने का अंदाज हो, आपके ग्राहकों से डील करना, बॉस से डील करने का जो अंदाज है, उस पर थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए और आगे बढ़ते हैं। और कुटुंब स्थान की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनको कोई तकलीफ है तो उस पर ध्यान दें। आज बिजनेस में ज्यादा फायदा हो इसके लिए ज्यादा काम करना, साथ ही लोगों की मदद भी कर रही और मदद भी आपको मिलेगी। और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कामों के अलावा भी कोई स्पेशल पैशन का काम आप कर सकते हैं। आपकी सेहत आज अच्छी रहने की वजह से एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को कोई बड़ी परेशानी से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। धन आगमन के भी आपके योग बन रहे हैं। जीवन साथी के सहयोग से आज आप किसी कार्य में सफल होंगे। हो सकता है कि लव लाइफ में भी ऐसा ही हो, आपके पार्टनर आपको कोई चैलेंज दे और आप उसे प्रेम पूर्वक पूरा कर लें। सफलता मिल रही है आपको। स्टूडेंट के लिए आज का दिन सामान्य दिनों से बेहतर हो सकता है, यानी आने वाला समय स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का है, इसलिए खूब मेहनत करें। क्योंकि दिसंबर में भी कुछ छुट्टियों की, चाहे वो क्रिसमस वैकेशन हो, न्यू ईयर हो, तो आने वाले संकट को पहचान के पहले से उसका निस्तारण करें। घुटनों में हल्का सा दर्द परेशान करेगा। लकी कलर की अगर बात करें तो स्काई ब्लू रहेगा। नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट PST है। ए और के से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों के राशि से 12वें घर में चंद्रमा, हर हाल में लीगल कॉम्प्लिकेशन, कुछ न कुछ झगड़ा फसाद, मानसिक अशांति, थोड़ी सी ईर्ष्या, झगड़ा, ऐसी कोई चीज आपके साथ आ सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। धीरज, धैर्य, संयम और विवेक रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आज आपके इनकम के कई रास्ते खुलेंगे।
कोशिश करें कि आज आप ज्यादा से ज्यादा काम काज में मन लगाएं और आपका जो इंपॉर्टेंट काम है उससे आप पहले पूरा करें। बॉस से बातचीत में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, आप मूड देकर अपनी बात करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशी रहेगी। आज मैरिटल लाइफ में रोमांच और रोमांस ये दोनों हो सकता है। डिनर कहीं पर कर सकते हैं, आज स्पेशल जगह पर जा सकते हैं। लेकिन लव लाइफ में संभल कर रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी और की वजह से झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर चिंता नहीं करके चिंतन करना चाहिए। परिवार में किसी की सेहत को लेकर थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 8 है, शुभ है, शुभ अल्फाबेट LRV है, K और N से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्यदिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने भाई बहनों की तरफ होना चाहिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करने की तरफ होना चाहिए, इनकम को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। आपकी जॉब है या बिजनेस है, उस काम काज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हो सके तो उनकी भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। काम पूरा होने में लोग आपकी मदद पूरी करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत भी हो सकता है आज आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद काम पूर्ण होता है तो जरूर उस काम को पूरा करना चाहिए, इससे आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आएगी। सरकारी कर्मचारियों को आज किसी विशेष चैलेंज से करने की वजह से पूरा लाभ मिल सकता है, खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। आपके ऑफिस के अंदर जो फाइलों का अंबार लगा रहता है उसमें काफ़ी हद तक काम हल्का हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। परिवार वालों के तेवर और फरमाइश बदल सकती है, लव लाइफ अच्छी रहेगी। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा, जल्दी उठकर पढ़ाई करें अच्छा रहेगा। काम काज के दबाव के कारण आप थोड़ा सा आलस्य भी महसूस करेंगे, थोड़ा परेशान भी रहेंगे। इसके बढ़िया चंपी तेल मालिश करवाएं और काम पे लगें। लकी कलर येलो, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ADJ है, OS से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्यदिशा पश्चिम रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने कर्म और कर्म और कर्म की तरफ होना चाहिए। इसमें भले इनकम होती है चाहे नहीं, मान लीजिए आप घरेलू महिला हैं, घरेलू काम करते हैं, उसको कैसे बेहतर करें, किचन को कैसे बेहतर करें, घर को सजावट कैसे बेहतर करें, नौकरी करते हैं बेस्ट जॉब कैसे करूं, अपने काम में मुनाफा कैसे प्राप्त करूं, बिजनेसमैन को यह सोचना चाहिए। आज उस पर आप एनर्जी लगाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई काम हो सकता है जो आने वाले टाइम में आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, इससे आप संतुष्ट होंगे। सरकारी कर्मचारियों को आज किसी कार्य को लेकर अधिकारियों से बातचीत में बहस हो सकती है, कोई डांट भी खानी पड़ सकती है आपको, ट्रैवल भी संभव है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। संतान से सुख मिलने से माता पिता को बहुत खुशी मिलेगी। लव लाइफ में कठिन परिस्थितियां बन सकती हैं। स्टूडेंट सिलेबस के अनुरूप अध्ययन करने में लगे रहेंगे। सेहत के मामले में आप पहले से बेटरमेंट फील कर रहे हैं। मामूली चोट के लिए आपको गाड़ी सावधानीपूर्वक चलानी चाहिए ताकि वो चोट ना लगे। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट GMP है, वहीं B और H से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्यदिशा पूर्ण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपनी उच्च शिक्षा ज्ञान में वृद्धि के लिए होना चाहिए। आपके आजीविका जिससे धन आता है उसकी तरफ होना चाहिए। साथ में काम करने वाले लोगों के लिए आपको अपने आप को मदद करने वाले साबित करना चाहिए, इससे वो भी आपके समय पर मदद करेंगे और आपके बारे में जो गलत भाई पाल रखे, जो सोच उनके पास नेगेटिव है, उसको वो ठीक कर देंगे। आज सोच समझ के बोलने के बजाय दिल में जो आए वो जरूर बोलना चाहिए। दुश्मन आप पर पैनी नजर बनाए हुए, संभल के चलें। सरकारी कर्मचारियों को आज किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो सकती है, संभल के रहें। जीवन साथी के साथ आज कहीं बाहर खाना खाने का प्लान बना सकते हैं और ऐसा ही काम लव लाइफ में भी संभव है। आज कोई भी जगह से मिले लेकिन सरप्राइज मिल सकता है। वाहन बहुत ज्यादा सावधानी चलाएं क्योंकि केमद्रुम दोष कहीं कहीं मानसिक अशांति की वजह से चोट दे सकता है। लकी कलर क्रीम है, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट FLO है, R और S से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्यदिशा दक्षिण रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने जीवन में हो रहे आकस्मिक परिवर्तन की तरफ होना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, घर में हो, उसको देखकर अभी रूपरेखा और योजना बनाएं और अपना ध्यान अपने भाग्य को चमकाने की तरफ होना चाहिए। बिजनेस हो, वर्क प्लेस पर आज आप किसी स्थिति को लेकर ज्यादा संघर्ष करने में नहीं रहें, उससे निराशा ही हाथ लगेगी, टेंशन और डिप्रेशन, आपको लगेगा कि मेरे कोई जीवन अच्छा नहीं है, जबकि जीवन अच्छा है। जीवन को जीना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आज सब कुछ अपने सोचे हुए काम के हिसाब से हो, इसके लिए आपको पहले से मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए, समय पर काम पर लौटें।
सरकारी कर्मचारी आज गुस्सा ना करें, ना ही किसी से उलझें, वरना आपके खिलाफ कोई शिकायत हो सकती है। जुबान पर कंट्रोल रखें, जवाब देना है तो काम से दें, कोई हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए पारिवारिक चीज़ों से आज दूर रहें। लव लाइफ में आज लव पार्टनर का मूड खराब भी हो सकता है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ORT है, NU से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार को चमकाने की तरफ, जॉब करने वाले लोगों को जॉब को बेहतर करने की तरफ होना चाहिए। आपका जो कॉमन सेंस है उसको और ज्यादा फ्लॉरिश करें, और ज्यादा अच्छा बनाएं उसको। आज या आने वाले समय में अगर आपको कोई यात्रा करनी है तो उसके लिए आज आप प्लानिंग जरूर करें। अधिकारी आपके कामों की तारीफ जरूर करेंगे। किसी भी कठिन परिस्थिति का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश में आज आप सफल जरूर होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी या परिवार में किसी से बहस से टेंशन हो सकती है। ये काम आपके पड़ोस में जॉब करने वाले या पड़ोस में रहने वाले लोग से हो सकती है। लव लाइफ में इंतजार करना आज आपके लिए ठीक नहीं है, बेटर है कि आराम से चलें। ना आज प्रपोज करना चाहिए, ना मिलना चाहिए, कोई बहसबाजी से झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, कूल्हों का दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट GMP है, HL से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान, आपके दुश्मन कहीं आपका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई कमी तो नहीं है जिसका कोई दूसरे फायदा उठा सकते हैं, तो खुद की कमी सिर्फ खुद को ही पता होना चाहिए, दुश्मन को पता लगता ही नुकसान हो जाता है। ऐसे पिक्चरों में कई बार देख चुके हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी, अपने परिवार की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आज आप किस स्थिति पर भावनाओं में बहकर कोई भी काम नहीं करें, ना ही किसी को कोई प्रतिक्रिया दें, तो आपके लिए समस्याएं ठीक होने का अच्छा रहेगा कि आप किसी और के चक्कर में ना पड़े। सरकारी कर्मचारियों को आज किसी प्रकार के नोटिस मिल सकता है, कोई झगड़े फसाद की वजह से आपकी कोई शिकायत हो सकती है। जीवन साथी के साथ आज किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसीलिए तोल बोल के बोलना चाहिए। लव लाइफ में आज किसी गुप्त बात का पता चलेगा, हो सकता है आप उसको धोखा दे रही हैं, वो आपको दे रही है या दे रहा है, वो उजागर हो जाएगा। धोखा देना प्यार में एक बहुत ही निकृष्ट कार्य है। कोई बड़ी परेशानी न आए इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि आपके साथ कैसा और क्या व्यवहार लोग कर रहे हैं। लकी कलर पिंक, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट EKR है, PU से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान, आपकी संतान क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पढ़ाई अच्छी कर रही है या नहीं कर रही है। आप खुद ही धनु राशि वाले संतान हैं तो अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें तो अच्छा रहेगा, और चोट दुर्घटना कर्ज खर्च इस पर विशेष विचार करना चाहिए। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब कोई शाबाशी देते हैं, कोई जीत हमें मिलती है, तो आपको जीत और फायदा दोनों मिलने जा रहा है। कहीं से कोई अच्छी खबर मिलने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर दिन की शुरुआत करें। काम धंधा अच्छा चले इसके लिए आपको अच्छे ढंग से चलना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को कार्य के स्थल पर माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक स्थल का भ्रमण हो सकता है। लव लाइफ में आज गिफ्ट का आदान प्रदान हो सकता है। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मेहनत ढंग से करें तो रिविजन भी बहुत अच्छा हो सकता है, आगे की पढ़ाई भी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करें। लकी कलर पर्पल, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट LOS है, C और K से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान गाड़ी के ठीक ठाक, मशीनरी को ठीक ठाक करने की तरफ होना चाहिए, घर में जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है उस पर ठीक करने की तरफ होना चाहिए, और अपने आप को शिक्षित करें तो अच्छा रहेगा। आपके कुछ काम अधूरे रह गए और वैसे भी सारे काम कभी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं नहीं, तो जितना जो काम किया है अच्छा ही है। अधिकारियों से आपको मदद मिल सकती है या फिर आपके बॉस से आपको मदद मिल सकती है। पैसों के लेन देन में आज बहुत सावधानी रखनी चाहिए, चोरी दुर्घटना नुकसान कोई हो सकता है, हानि हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को कहीं दूसरे ऑफिस में एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन पहले से ठीक है, लव लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ धोखे की सुगबुगाहट बुझा रही है, ध्यान दें। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेज से जुड़े हुए स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लोगों को कोई परेशानी आ सकती है। नियमित चेकअप करवाएं अपनी सेहत में, देखें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसका चेकअप करवा लें। लकी कलर ग्रे, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट BLP है, HR से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी।
कुंभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई बहनों की तकलीफों की तरफ होना चाहिए और उसके बाद अपना सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें ताकि आप सुखी रह सकते हैं। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आपको कुछ अवसरों का फायदा मिलेगा, इसलिए अपने आंख और कान को खुले रखने चाहिए। एक अवसर मिला उसे आप लें और आगे बढ़े। अचानक धन लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों को, आसपास के लोगों या साथ में काम करने वाले लोगों की तारीफ जरूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ आज का दिन मनोरंजन में व्यतीत होगा। लव लाइफ में आज कहीं बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है। स्टूडेंट सिलेबस को लेकर कवर करने में लगे रहेंगे, लेकिन कोई और दोस्त या किसी वजह से झगड़ा फसाद भी आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर छुटपुट समस्या आ सकती है, बाकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी कलर व्हाइट। नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ई पी टी है। जे एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने धन और खर्चों को पूरा करने की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कर्जा है उसे कम करने की कोशिश करें। कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो एक बार और सोचें कि क्या यह जरूरी है, और अपने पराक्रम को मजबूत करें। आप यही सोचें कि मेरे पास जितने सीमित साधन हैं उसी को लेकर मैं क्यों नहीं अपना काम करूं। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आज सामने आने वाली समस्याओं को आप शांति और ठंडे दिमाग से निपटा लेंगे। निवेश के सुझावों पर फैसला आपके अनुसार ही आपको करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन सरप्राइज डे भी हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति बन सकती है, वो भी खर्चा या किसी और की वजह से। लव लाइफ में रोमांच और रोमांस दोनों का अवसर आपको आज मिलेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने पेरेंट्स, अपने किसी टीचर से, किसी अच्छे दोस्त से मदद ले सकते हैं। खान पान में विशेष थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ भी नहीं। लकी कलर की अगर हम बात करें तो रेड है। नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ए ओ एस है। टी यू से दूरी बना कर रखें। भाग्य उदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। राशिफल के बाद अब मैं आपको वो खास उपाय बताता हूं जो निश्चित रूप से आपके लिए भाग्य उदय कारक गुरुवार होगा। देखिए, गुरुवार के दिन अगर आप कोई केले का वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी किसी मंदिर में या उसके आसपास लगाएं तो सबसे अच्छा है, और आपके घर में लगा हुआ है तो आज उसकी पूजा करें। अगर कोई इस दिन धन मांगने आता है तो धन देने से आपका गुरु कमजोर हो जाता है, इसलिए आज धन नहीं देना चाहिए, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको कोई धन देने आता है तो सबसे बढ़िया, लेकिन आपको नहीं देना चाहिए। अब एक विशेष बात कि आज आप पीले पुष्प, पीले फल किसी को दान में जरूर दीजिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको तो सबसे पहले आपको देना चाहिए। इससे आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरेगा। करके देखिए एक बार, फिर आपको पता लगेगा। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ग्रहों का खेल मेरी मासिक पत्रिका है, जिसके सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जिससे आपके परिवार वाले लोगों को ज्योतिष, आध्यात्म, धर्म, कर्म की एक ज्ञानवर्धक पत्रिका का उपहार मिलेगा। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे नवंबर और दिसंबर का स्केड्यूल मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका समाधान कहीं ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही है। क्यों? क्योंकि भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं अपने सही कर्म के द्वारा। लेकिन सही कर्म का चयन आप करेंगे या फिर हम आपके ग्रहों के आधार पर आपको चयन करने के लिए सुझाव देंगे। जैसे बाहर बरसात हो रही है, हम छाता खोलते हैं, बरसात बंद नहीं होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। निश्चित रूप से हमने एक संकट को टाला है अपनी सूझबूझ और समझदारी से। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके देश, आपसे मिलने के लिए। नवंबर और दिसंबर माह में मैं इंडिया और अब्रॉड में कुछ डेट्स और कुछ शहरों के नाम ले रखा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इन शहर, देश में या इसके आसपास रहते हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 23 नवंबर मुंबई, 24 अहमदाबाद, 25 नवंबर राजकोट, 30 तारीख से मैं अपने विदेशी दौरे पर चला जाऊंगा, 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, 1 और 2 दिसंबर को न्यूजर्सी में,
3 दिसंबर मैरिडन, 4 दिसंबर एटलांटा जॉर्जिया, 5 और 6 दिसंबर ह्यूस्टन टेक्सास। इस पे संपर्क करने के लिए मैं आपको एक अमेरिका के नंबर दे रहा हूं 347-633-7511। उसके बाद मेरी यूके की यात्रा रहेगी 6, 8 और 9 मैं लंदन में रहूंगा, 7 दिसंबर बर्मिंगम में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 0786509-4276। उसके बाद मैं हिंदुस्तान के 5 दिवसीय दौरे पर रहूंगा 14 दिसंबर सूरत, 15 दिसंबर बड़ौदा, 16 दिसंबर अहमदाबाद, 17 दिसंबर मुंबई और 18 दिसंबर पुणे रहूंगा। उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रहेगा जिसमें 22, 23 और 24 दिसंबर मैं मेलबर्न में रहूंगा, 25, 26 और 27 दिसंबर को मैं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में रहूंगा, 28 और 29 दिसंबर को मैं केन्स में रहूंगा, 30 और 31 दिसंबर में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। यहां पर संपर्क करने के लिए आप 9829026625 इंडिया के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मेरा न्यूजीलैंड दौरा रहेगा 2, 3, 4 और 5 जनवरी को मैं क्वींस टाउन में रहूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 दिवसीय मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहूंगा। जहां पर आप मिलने के लिए इंडिया के ही नंबर 9829026625 पर फोन करके अपना अपॉइंटमेंट दर्ज करवा सकते हैं। मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि आपकी और मेरी एक मुलाकात निश्चित रूप से आपकी जिंदगी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हम एक समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समाधान जरूर खोजेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in। आप हमें वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।